ताजमहल पर ऑफलाइन टिकट सर्वर पिछले कुछ दिनों से और ताजमहल पर ऑफलाइन टिकट सर्वर पिछले कुछ दिनों से सैलानियों के लिए मुसीबत बन गई है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन पर्यटकों को हो रही है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ताज पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन टिकट के दौरान भी पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज का दीदार करने आए पर्यटकों के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा मुहैया कराई गई, लेकिन वह सुविधाएँ यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पश्चिमी गेट पर, आइए हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं, किस तरह की समस्या फेस हो रही है। सर, समस्या ये हो रही है कि ना तो यहाँ से टिकट बुक हो रही है और जो वाईफाई इन्होंने फ्री वाईफाई दे रखा है वो भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है, उसमें नेट नहीं चल रहा है। हमें 3 घंटे हो गए, हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पर, और 3 घंटे से हमें अभी ना तो कोई टिकट मिली है ना ही कोई फैसिलिटी मिली है जिससे टिकट बुक हो सके हमारी। क्या लग रहा है कितने टाइम हो गए यहाँ आए हुए? सर, 2 घंटे तो हमें हुए हैं, 2-2.5 घंटे, लेकिन और भी बैठे हुए हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं 4-5 घंटे से, वो भी बैठे हुए हैं, तो टाइम लग ही रहा है सबका। नेट यहाँ पर तो ASI अधिकारियों ने वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई है, वो वाईफाई चल ही नहीं रहा, वाईफाई शो कर रहा है लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा। अपने पर्सनल डाटा से चला रहे हैं तो उसमें नेट काम नहीं कर रहा है, फ़ोन में नेट काम नहीं कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं सुबह से परेशान हैं, आइए और भी पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 2 घंटे हो गए सर खड़े हुए, 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। टिकट बार बार ऑनलाइन करता हूँ, टिकट कैंसिल हो जाती है, टिकट मिली नहीं रही सर। और भी लोग हैं वो टिकट दे रहे हैं, वो 50 रुपये वाली टिकट 70 रुपये में दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं आप बैठ करके। आपने यहाँ पर जो पुलिस खड़ी हुई है उसे किसी से इसकी शिकायत करी? नहीं सर, वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं वो। हाँ, 70 रुपये टिकट दे रहे थे उधर, हम गया था तो मैंने बोला था भैया हमारी टिकट दे दो, तो 50 रुपये वाली टिकट 70 रुपये की दे रहे थे वो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विंडो बंद है यार? सर, जो ऑफलाइन वाली टिकट थी वो दोबारा चालू हो जाए, उससे कि मतलब जो देखने आते हैं पर्यटक आते हैं दूर दूर से वो वापस जा रहे हैं, ऑनलाइन टिकट नहीं निकल पा रही है, तो अगर ऑफलाइन वाली टिकट चालू हो जाएगी तो उससे जो है वो अपनी टिकट ले लेंगे और फिर देख कर जाएंगे, वो वापस कोई नहीं आएगा। हम सुबह से 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, 2 घंटे से खड़े हुए हैं, टिकट ही नहीं मिल पा रही। देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटक यानी लगातार सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकट जो कर रहे हैं उनकी ऑनलाइन टिकट नहीं हो पा रही है, और जहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक सुबह से परेशान हैं, लेकिन ASI अधिकारी जिस तरह से दावा करती है कि आपकी वाईफाई सुविधा मुहैया होने के बावजूद भी जिस तरह की असुविधाएँ यहाँ पर पर्यटकों को देखने को मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों में रोष है। अपने साथी राहुल जैन के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।